हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुभोजीत। स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एसडी गैजेट्स में। और आज मैं आप लोगों के सामने एक रिव्यू लेके आया हूँ यूरेका फॉग का, एक वैक्यूम क्लीनर का, जो कि ये वाला वैक्यूम क्लीनर है। आप ये देख सकते हो, यूरेका फॉब्स इजी क्लीन करके ये आता है। तो इसको जो है मैं लास्ट 7 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, और इसके जो पर्पस है वो मैं बता देता हूँ। मैं जो है अपने कार को क्लीन करने के लिए इसका यूज़ करता हूँ, मेरे जो कीबोर्ड है उसको क्लीन करने के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, मेरे जो डेस्कटॉप का कैबिनेट है उस पर भी जब डस्ट लग जाता है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ क्लीन करने के लिए, और वॉल्स जैसे होते हैं हमारे घर के जिसमें स्पाइडर्स के जो है ना जाले बन जाते हैं, तो उनको भी क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। और अपने जो मैट्रेसेस होते हैं जो हम लोग नीचे बिछाते हैं अपने घर पे, उनको भी क्लीन करने के लिए जो है ना एकदम सक्षम है। तो आज जो है इसका पूरा रिव्यू दूंगा मैं और बताऊंगा कैसा क्या परफॉर्मेंस है इसका अभी तक। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को फोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, मरोड़ दीजिए, जिससे कि अगर मैं ऐसा कोई नया वीडियोज लाता हूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो जैसे कि आप ये देख सकते हो, बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है जिसमें यूरेका फॉब्स का अच्छा सा एक लोगो दिया हुआ है, और यहाँ देख सकते हैं आप योर फ्रेंड्स फॉर लाइफ, और ये जो है इसके सारे पूरे कंटेंट जो है पूरा अच्छे से इम्पोज किए हुए हैं। और आप ये देख सकते हो इसमें जो है एक फ्री सीडी और एक अंदर है जिसको आप जो है ना देख के पूरा जो है समझ सकते हो कैसे क्या क्लीनिंग का प्रोसेस में होता है। उसके बाद साइड में अगर इधर की बात करें तो इसमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। आप ये देख सकते हो वैक्यूम क्लीनर है ये, यूरेका फॉब्स का ईजी क्लीन प्लस जो है इसका नाम है। इसका रेट जो है वो आप ये देख सकते हो 3000 का है, पर ये जो है मेरे को 3000 का नहीं पड़ा था, ये मेरे को 2500 रुपये का मिला था। इसका वेट जो है वो है 1.8 kg का, और इसके मोटर का पावर जो है वो 800 वाट का है। उसके बाद अगर बात करें इसका सक्शन प्रेशर की, तो सक्शन प्रेशर जो है आप ये देख सकते हो 160 सेंटीमीटर ऑफ WC 16 kPa, ठीक है। एयर फ्लो आप ये देख सकते हो 14 liters per second। ये जो है दोनों है, ये जो है सक्शन भी करता है और जो है ब्लोअर भी है, दोनों इसमें जो है आपको मिल जाएंगे। और इसका नॉइस लेवल आप ये देख सकते हो 83 dB से कम का है, और वोल्टेज जो है ये अपना जो सॉकेट होता है वही है इंडिया वाला जो है यूज होता है। तो ये तो रही पूरे बॉक्स की बात। आप ये देख सकते हो इस साइड भी वैसा ही एक डब्बा जो है, लोगो बने हुए हैं उसके, और ये सब लिखा हुआ है यूरेका फॉब्स इजी क्लीन प्लस करके जो है इसका नाम है। तो जल्दी से बॉक्स ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या कंटेंट आता है। तो जैसे आप इसको बॉक्स को ओपन करेंगे, इसमें बहुत सारे एसेसरीज आते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हो इसका जो यूनिट है वो कुछ ऐसा रेड कलर में आता है, जो कि बहुत ज्यादा मेस्मराइजिंग है। और आप ये देख सकते हैं यूरेका फॉब्स योर फ्रेंड फॉर लाइफ इस साइड लिखा हुआ है, और इधर जो आप ये देख सकते हो सक्शन एंड ब्लोअर दोनों इसमें है। इसके साथ एक इसको जो कैरी करने के लिए आप ये देख सकते हो इसका स्ट्रैप दिया जाता है, और इसमें एक बहुत ही लंबा सा जो है केबल है, आप ये देख सकते हो ये जो केबल है ये इसके साथ मिल जाता है। तो इन सबको साइड पर रखते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या आता है, फिर हम जो है मेन यूनिट की भी बात करेंगे आगे। उसके बाद आप ये देख सकते हो कुछ ऐसे पाइप्स आते हैं लंबे लंबे से, जिसको आप जो है ना अटैच करके एक दूसरे के साथ जोड़ के इसको और लंबा कर सकते हो, और जहाँ जहाँ आपके हाथ नहीं पहुँचते आप जो है इस पाइप को यूज़ करके वहाँ जाके जो है सक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी साइड पर रखते हैं, देखते हैं और क्या क्या अंदर एसेसरीज आते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ब्रश की तरह एक कंटेंट आता है, जो कि इसका अटैचमेंट ही है, इसके साथ लग जाता है, और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है आपको क्लीनिंग का जो है अनुभव देगा ये। उसके बाद इसको साइड में रख देते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या आता है। आप ये देख सकते हो एक ये जो है पाइप आता है, इसमें भी जो है ऐसा सक्शन के लिए एक जो है ऑप्शन दिया हुआ है, एक इस पर जो है आप लगा सकते हो, और एक दूसरा ये वाला जो ऑप्शन है ये आपके जो है इसमें चले जाएगा, मेन मशीन में चले जाएगा। इन सब की जो फिटिंग्स है वो मैं आपको एक दिखा दूंगा आगे जाके। ये सब जो एसेसरीज है इसके अंदर मिलते हैं। आप ये देख सकते हैं ये जो है इसका पीछे का जो है ब्लोअर वाला सेक्शन है, इसको आप लगा के जो है इसमें अटैचमेंट लगा के आप ब्लोअर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप ये एक और ब्रश टाइप कंटेंट आता है, जिससे जो है आप बड़ी चीज़ें क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि आपका मैट्रेस हो गया, इन सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद अंदर देखते हैं एक और कंटेंट मिलता है, आप ये देख सकते हो ये जो है ब्लोअर का ही कंटेंट है, इसको जो है अटैचमेंट है, इसको भी आप लगा के जो है ना ब्लोअर का यूज़ कर सकते हो। ये सारे अटैचमेंट जो है इसमें लग जाते हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है कि इसके साथ इतने सारे अटैचमेंट आते हैं। उसका लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये कंटेंट आता है, इससे जो है आप अपने फ्लोर को भी क्लीन कर सकते हो, और साथ में जो है आप अपने मैट्रेस को भी क्लीन कर सकते हो। नीचे से आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो है कुछ कंटेंट दिए हुए हैं, जिसमें जो है आपके धूल चिपक जाते हैं, और ये कुछ ब्रश भी दिए हुए हैं यहाँ पर, जिससे जो है आप इसको ईजिली क्लीन कर सकते हो। और ये टायर्स भी दिए हुए हैं, जो कि आप अगर ज़मीन पे इसको रख के से चलाना चाहते हो तो चला भी सकते हो। तो ये जो सारे अटैचमेंट्स है ये इसके साथ आते हैं, और ये सारे अटैचमेंट्स जो है इसके साथ लग जाते हैं, और आप इसको यूज़ कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बात कर लेते हैं मेन यूनिट की। तो मेन यूनिट में आप ये देख सकते हो कुछ ऐसा रहता है मेन यूनिट। इन सब चीज़ों को मैं साइड में कर देता हूँ, और फिर
सो दोस्तों सबसे पहले मशीन की बात कर लेते हैं। तो मशीन के साथ आप ये देख सकते हैं इसका जो है ना केबल है, ये वाला केबल जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा है। इसमें अराउंड 5 मीटर का जो केबल अपन को मिल जाता है, तो आप जो है ना इस केबल को ईजिली जो है कहीं पर भी लगा के इस मशीन को कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। तो ओवरऑल जो है ऊपर अगर हम लोग देख ले तो आप ये देख सकते हो ये पूरा रेड कलर में आता है मशीन और बहुत ही अच्छा दिखता है। इसमें देख सकते हो आप यहाँ पर जो है सक्शन एंड ब्लोअर लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों चीज़ करता है। पीछे के साइड जो है इसका ब्लोअर है, आगे की तरफ जो है इसका सक्शन है। उसके बाद बात कर लेते हैं इधर आगे की तरफ, तो आप ये देख सकते हो ये जो है लिखा हुआ है फॉर्ब्स इजी क्लीन प्लस, और इस साइड अगर हम लोग देख ले तो आप फिर से देख सकते हो यूरेका फॉर्ब्स योर फ्रेंड्स फॉर लाइफ करके लिखा हुआ है। तो ये जो है ओवरऑल एस्पेक्ट्स है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर आप ये देख सकते हो ऑन और ऑफ के लिए एक जो है ना बटन दिया हुआ है, और यहाँ पर एक छोटा सा बटन दिया हुआ है जिसको प्रेस करके आप इसका फिल्टर खोल सकते हो और फिल्टर को क्लीन कर सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके हम लोग जो है ना ब्लोअर की, तो ब्लोअर जो है ये पीछे की तरफ है ना होता है। तो हम लोग क्या करना होता है, इसका जो ये वाला अटैचमेंट है इसको खोल लेना होता है, जैसा खुल जाता है आप इसको अलग रख सकते हो। और ये वाला जो अटैचमेंट है आप ये देख सकते हो, ये वाला अटैचमेंट जो है इसमें लगाना होता है। तो बहुत ही ईजी है, ऐसा लग के ऐसा लग जाएगा और ये एक की आवाज़ आएगा तो आप समझ जाओगे कि ये जो है इसमें अटैच हो गया है। उसके बाद जो है इसका जो ये वाला अटैचमेंट है इसको आप इसमें लगा सकते हो ईजिली ऐसा करके, तो आप ये देख सकते हो ये जो है लग गया है। और लगने के बाद जो है आप इस साइड जो है कोई भी एक अटैचमेंट लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, इधर जो है आप ये वाला अटैचमेंट लगा सकते हो, एक छोटा वाला अटैचमेंट है जो इसको आपको लगा कैसा घुमा देना होता है, तो ये जो है पूरा ब्लोइंग का काम करेगा जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद आप जो है इसमें दूसरे अटैचमेंट्स भी लगा सकते हो, जैसे कि अगर आपको कुछ मोटा कंटेंट लगाना है तो आप जो है ये भी लगा सकते हो, ये वाला अटैचमेंट है, ये वाला अटैचमेंट भी इसमें लग जाएगा ऐसा करके। और आप ये देख सकते हो ये वाला अटैचमेंट से भी आप यूज़ कर सकते हो इसको ब्लो करने के लिए। उसके बाद अगर आप लोग बात कर ले दूसरे अटैचमेंट्स की, तो दूसरे अटैचमेंट्स जो है इसमें यूज़ नहीं होंगे, ये सारे जो है सेक्शन वाले अटैचमेंट्स है। तो अब जो है ये वाला पोर्शन खत्म हो चुका है, इसको जो है मैं निकाल लेता हूँ ब्लोअर वाले पोर्शन को। अब हम लोग बात करेंगे सक्शन वाले पोर्शन की, तो सक्शन वाला पोर्शन जो है उसमें जो सारे अटैचमेंट्स हैं वो लगता है आगे की तरफ। तो आप ये देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट है ये सक्शन के लिए है, और इसमें जो है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट लगा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता, जो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ना इसको ही हम लोग यूज़ करते हैं और इसमें जो है हम लोग लगाते हैं। तो उसको लगाने का तरीका क्या होता है कि हमको जो है ये वाला यूज़ करना होता है और इस कंटेंट को इसमें ऐसे लगा लेना होता है, और लगाने के बाद जो है ये चीज़ जो है हम लोगों के आगे जो है यहाँ पर अटैचमेंट पर लग जाता है। तो आप जो है इसको ईजिली इसमें लगा सकते हो, और लगाने के बाद ये वाला जो साइड है ये फ्री हो जाता है। अब इसमें जो है आप डिफरेंट डिफरेंट जो है अटैचमेंट्स है वो यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको ये वाला अटैचमेंट लगाना है तो ये जो है इसके अंदर ऐसा लग जाएगा और ऐसा हो जाता है ये। उसके बाद इसको निकालने के बाद अगर आपको ये ब्रश वाला अटैचमेंट लगाना है तो ये ब्रश वाला जो अटैचमेंट है वो भी आपका लग जाएगा ईजिली इसमें, तो ये जो है ऐसा करके लगता है और आप जो है ब्रश का यूज़ कर पाएंगे, और जो है ब्रश का यूज़ करके जो है आप किसी भी चीज़ को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये छोटा वाला ब्रश यूज़ नहीं करना है तो ये बड़ा वाला ब्रश भी जो है आप इसमें लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रश वाला जो है इसको भी मैं लगा के दिखा देता हूँ, तो इसको जो है आपको ऐसा लगाना होता है और ये जो है रेडी टू यूज़ है। अगर आपको ये लगता है कि यार नहीं ये सब तो ठीक है, अगर मुझे जो है ना पाइप को जो है बड़ा करना है और बड़ा यूज़ करना है पाइप को, तो कुछ नहीं करना होता गाइस, ये जो है इस वाले को ऐसा लगा लेना होता है। और ये जो अपने पास ये वाला पाइप है जिसको हम लोगों को यूज़ करना, इसको जो हम लोगों को इसके आगे ऐसा लगा लेना होता है। तो आप ये देख सकते हैं ये पूरा जो है रेडी हो जाता है, और रेडी होने के बाद जो है आप इसका पूरा यूज़ कर सकते हो। आप ये देख सकते हो ये जो स्टिक है पूरा लग गया है, इतना लंबा जो है अटैचमेंट है। और इसके आगे जो है इस पाइप के जो आगे है आप ये वाला जो अटैचमेंट है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला जो अटैचमेंट है, इसको भी आप इसमें लगा सकते हो यहाँ पर और क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ को। सो ओवरऑल जो है इसको जो है मैं जो है ना 10 out of 9 देना चाहूँगा, क्योंकि इसका जो मोटर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत अच्छे से जो है ना मेरे कार को क्लीन कर देता है, और छोटी मोटी चीज़ें तो आराम से क्लीन कर ही देता है। तो अगर आप एक कार क्लीनर अच्छा सा ढूंढ रहे हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। और एक छोटा मोटा, एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपको एक छोटा सा एक प्रोडक्ट खरीदना है, जैसे कि आप क्लीनिंग व्लीनिंग का काम नॉर्मली कर सकते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। बस इसको जो है मैं इसका एक पॉइंट इसलिए कट कर रहा हूँ क्योंकि इसको जो है ना एक चीज़ है कि आप थोड़ी देर यूज़ करने के बाद ऐसा मोटर गर्म हो जाता है, तो आपको जो है ऐसा है कि आप 15 मिनट्स तक अगर इसको यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, जैसे कि 1 मिनट या 2 मिनट बंद कर दें, इसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए दीजिए, उसके बाद फिर से जो है आप इसको चालू कीजिए और आपका जो है ना काम ये इजिली कर देगा। क्योंकि जैसे मैं कार को भी अगर क्लीन करता हूँ ना तो मेरे को कम से कम इसको हाफ एन आवर तो यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जितने भी सारे धूल होते हैं कार के अंदर, नीचे जो है ना अपने जो मैट्रेस होते हैं मैट के ऊपर जो इतने भी धूल वूल होते हैं सबको सक करने के लिए, तो मेरे को हाफ एन आवर तो लग ही जाता है पूरा साफ करने के लिए। तो ये मोटर ऐसा थोड़ा गर्म हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा जो है
इसको रेस्ट दे देता हूँ दो मिनट का, और फिर इसको जो है ना कंटिन्यूस यूज़ करते रहता हूँ, जिससे कि ये जो है अच्छा परफॉर्मेंस देता है और जो है बढ़िया वर्क करता है। सो गाइस एक बार जो है मैं इसको चालू करके इसका साउंड भी सुना देता हूँ आपको कि इसका मोटर कैसा आवाज़ करता है और कितना क्या पावरफुल है। तो आप ये सुन सकते हैं, इसको मैं चालू करता हूँ, आप ये देख सकते हैं इसका सक्शन वाला जो है वो लगा हुआ है। तो आप ये देख सकते हो ऐसा कुछ आवाज़ जो है ये करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी अगर क्लीनिंग की, अगर आपको इसको क्लीन करना है तो क्लीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इसको ओपन करना पड़ेगा। सो ये जो आगे वाला अटैचमेंट है इसको आप निकाल दोगे, और निकलने के बाद जो है इसको अलग रख देते हैं, और अलग रखने के बाद आपको जो है ये जो बटन है इसको प्रेस करना होता है। तो आप जैसे इसको प्रेस करोगे तो ये जो है ऐसा कुछ ओपन हो जाता है। आप ये देख सकते हो अंदर जो ऐसा फिल्टर है डस्ट फिल्टर, इसको जो है आपको निकाल लेना होता है, ऐसा क्लीन कर लेना होता है। डस्ट फिल्टर निकालना भी बहुत ही ईजी है, बस आपको ऐसा खींच के निकालना होता है, ये इसका डस्ट फिल्टर होता है। इसको आपको क्लीन करके फिर से जो है इसको लगा लेना होता है, आपका जितना भी डस्ट होता है ये अंदर इसके अंदर ही जो है ना गैदर होता है, और गैदर होने के बाद आपको उसको डस्ट को निकाल के फेंक देना होता है, और फिर से आप इसको लगा सकते हो इजीली। यहाँ पर ये जो है इजीली यहाँ लग जाता है, आप ये देख सकते हो ये जैसे मैंने लगा दिया है, और सेम प्रोसेस है इसको जो है आपको ऐसा करके यहाँ पर ये ऐसा लगा देना होता है, और ये लग गया और ये आपका कंप्लीट हो गया, फिर से तैयार हो गया, आप इसको फिर से यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है ऐसा क्लीनिंग के लिए भी है, ऐसा ही जो उसका फिल्टर है वो भी क्लीन होता है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।